हे ईश्वर, अपने नाम के प्रभाव से मुझे बचा, अपने सामर्थ्य से मेरा त्राण कर। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी पुकार पर ध्यान दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में, दोनों में हम सुनेंगे कि किस प्रकार विधर्मी हो या धर्मी हो, दोनों को मरवा डालने के लिए लोग ताक में रहते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसे होने नहीं देते हैं, दोनों को बचाते हैं। विधर्मियों को बचाते हुए उनका एकमात्र वाक्य यही है कि जाओ और फिर अधर्मी की मार्ग पर मत चलो। हम अपने आप से पूछे, क्या हम धर्मी हैं या विधर्मी? आज प्रभु हम सबको पाप क्षमा की दान देते हैं, हम फिर उस पाप में कभी नहीं गिरे। जब कभी हम दूसरों को अपने वचनों से, अपने दुष्कर्म से उनके नाम को मारना चाहा, हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से, सब संतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे पल्ली परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, जितने ही लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, मानव दुर्बलता के लिए तूने समुचित सहायता का प्रबंध किया है, हम अपने उद्धार के साधन सहर्ष स्वीकार करें और उसका फल अपने आचरण में प्रकट करें। यह वरदे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, वचन संख्या 1 से 9, 15 से 17, 19 से 30, 33 से 62 तक। यकीम नाम व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया के पुत्री सुसन्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपने पुत्री को मूसा के संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। यकीम बहुत धनी था और उसके घर से लगी हुई उसके एक सुंदर बटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। उस वर्ष लोगों ने जनता में से दो नेताओं को न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया था। उनके विषय में प्रभु ने कहा था, बाबुल में अधर्म उन नेताओं से प्रारंभ हुआ जो न्यायकर्ता थे और जनता का शासन करने का ढोंग रचते थे। वे यहोयाकीम के यहाँ आया करते थे और जिनका कोई मुकदमा रहता
वे सब उनके पास आते थे। जब दोपहर के समय लोग चले जाते थे तो सुसन्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में घुसते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल कामवासना उत्पन्न हुई। उनका मन इतना विकृष्ट हो गया कि उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा और नैतिकता के नियम भुला दिए। उपयुक्त अवसर की ताक में ही रहते थे कि सुसन्ना दो नौकरानियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुस गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिप कर उसे ताक रहे थे वहां कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो जिससे मैं स्नान कर सकूं। नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं, हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसन्ना ने आह भर कर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राण दंड के योग्य हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोषी आपके हाथों पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। इस पर सुसन्ना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। जब घर के लोग ने वाटिका में चिल्लाने की आवाज सुनी तो ये देखने के लिए कि सुसन्ना को क्या हुआ, वे दौड़ते हुए आए और पार्श्व फाटक से वाटिका में प्रवेश कर गए। जब नेताओं ने अपना बयान दिया तो नौकरों को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सुसन्ना पर इस प्रकार का अभियोग कभी नहीं लगाया गया था। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योकिम के यहाँ एकत्र हो गई थी तो वे दुष्ट नेता सुसन्ना की प्राण दंड दिलाने का षड्यंत्र कर आ पहुंचे। उन्होंने जनता के सामने कहा, हिल्किया की पुत्री योकिम की पत्नी सुसन्ना को बुला भेजो। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। उसके संबंधी और जितने भी लोग उसे देखते थे वह सब के सब रोते थे। उन दो नेताओं ने सभा में खड़े होकर उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नेताओं ने यह कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहल रहे थे तो यह दो नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। इसने वाटिका का फाटक बंद करा दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छिपा हुआ था पास आकर इसके साथ लेट गया। हम वाटिका के एक कोने से यह पाप देखकर दौड़ते हुए उसके पास आए और हमने दोनों को रमण करते देखा। हम उस युवक को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वह हमसे बलवान था और वाटिका का फाटक खोलकर भाग गया। हमने इसे पकड़ लिया और पूछा कि वह युवक कौन है, किंतु इसने उसका नाम बताना अस्वीकार किया। हम इन बातों को साक्षी हैं। सभा ने उन पर विश्वास किया क्योंकि वे नेता और
न्यायकर्ता थे। लोगों ने सुसन्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातें का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राण दंड के लिए ले जा रहे थे, तो ईश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूं। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, हे इस्राएलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इस्राएल की पुत्री को प्राण देते हैं? आप न्यायालय लौट जाएं, क्योंकि इन्होंने एक विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और न्याय को नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों ने अलग कर दिया गया, तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं, अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर न्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा, हे तुम निर्दोष और धर्मी को प्राण दंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा, तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे दो टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथ भ्रष्ट किया और वासना तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इस्राएल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारे अनुरोध स्वीकार करती थी, किंतु यह यूदा की पुत्री है, जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे दो टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे वे अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य आपका अनुवाक्य होगा,
चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझ धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, तू मेरे प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उस अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु जैतून पहाड़ चले गए और वहां बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठे हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालने का आदेश दिया है, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उससे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण जय जय।
जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए हे सर्वसंपन्न ईश्वर, यह बलिदान अपने शक्तिशाली प्रभाव से हमें विशुद्ध करें कि हम अधिक पवित्र बनकर अपने जीवन स्रोत प्रभु यीशु के निकट पहुंच पावे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से यह हितकर अवधि ठहराई है कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें, अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों से मिलकर तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है, स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अल्बर्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्थिति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्थिति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगानुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। एक ईश्वर के निर्णय जो संसार के पाप कहता है हम पर दया कर। ईश्वर के निर्णय जो संसार के पाप कहता है हम पर दया कर। ईश्वर के निर्णय जो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरण के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरण के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरण के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे आदि के अपने काल से रहेंगे। आमीन। जाओ और फिर पाप कभी मत करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु जैसे अतीत की बातें छोड़कर हम नई बातें अपनाते हैं वैसे ही पुरानी रहन सहन त्याग कर पवित्र आचरण के द्वारा अपना नवनिर्माण करें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस्त के प्रेम और मां मरियम के संरक्षण में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।